नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रोटेशन, हम लोग मोमेंट ऑफ एनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ एनर्शिया इसमें कैलकुलेट करना है ना। कहा गया है मास पर यूनिट एरिया, यानी जो हम लोग सिग्मा कहते हैं उसको, मास पर यूनिट एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर एज सिग्मा इज इक्वल टू ए प्लस बी आर। डायग्राम में समझेंगे तो ये एक डिस्क है जिसका रेडियस दिया गया है ए, सेंटर से आर डिस्टेंस पर, यहाँ पर डेंसिटी है सिग्मा जिसकी वैल्यू है ए प्लस बी इंटू आर। आर सेंटर से डिस्टेंस है, ए और बी जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। कहा गया है द मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, यहाँ से सेंटर से पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जिया कैलकुलेट करना है हमें, और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे क्लास में, बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पर डेंसिटी हम लोग कॉन्स्टेंट लेते थे, यहाँ पर जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है ना। तो क्लास में हम लोग कैसे करते थे, ऐसा करते थे कि यहाँ से आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट्री रिंग लेते थे, है ना। ये एलिमेंट्री रिंग हो गया जिसका रेडियस आर है और जो थिकनेस है ये डी आर है, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ एनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये जो रिंग है, पहले उसका मास निकालेंगे, कैसे, इस रिंग को सीधा करके देखते हैं ऐसे। तो इसका सरकमफेरेंस जो है वो है 2πr, जो कि इसका लेंथ बन जाएगा, और इसका जो थिकनेस है dr, है ना, ये हो गया विड्थ। तो एक रेक्टेंगुलर सा दिख रहा है, इसका एरिया निकालेंगे इस एलिमेंट्री रिंग का, ये जो शेडेड पोर्शन है उसका, है ना। तो ये आएगा लेंथ इंटू विड्थ 2πr इंटू dr। ये तो हो गया उसका एरिया। मास निकालना हो उस एलिमेंट्री रिंग का तो सरफेस डेंसिटी, मास निकालना हो तो क्या करेंगे, dm इज इक्वल टू सरफेस डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। सिग्मा का जो वैल्यू है वो दिया गया है क्वेश्चन में a प्लस br, जो कि वेरिएबल है, और एरिया ये आया है 2πr इंटू dr। अब देख सकते हैं कि ये जो रिंग है इसका मास ये है, जो कि ये जो रिंग है, जैसे रिंग का रेडियस चेंज करेंगे तो डिफरेंट रिंग्स आएंगे, रिंग का मास भी यहाँ पर वेरी करेगा। तो अगर इस रिंग का मोमेंट ऑफ एनर्शिया निकालें इस एक्सिस के अबाउट, है ना, तो वो मोमेंट ऑफ एनर्शिया आएगा कितना, वो होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। किसी भी रिंग का मोमेंट एनर्शिया, ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है उसके बाद आता है एम आर स्क्वायर, है ना। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ एनर्जी आ जाएगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, ये जीरो रेडियस का भी एक रिंग लेंगे और रेडियस धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो इसमें डिस्क के अंदर जितने भी रिंग बनेंगे सबका मोमेंट ऑफ एनर्जी निकाल करके यहाँ पर जोड़ दिया गया है, है ना। तो मोमेंट ऑफ एनर्जी जो हमें फाइंड करना है वो आएगा, डी एम का वैल्यू रखते हैं ए प्लस बी आर इंटू 2πr इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, r का वैल्यू 0 से a तक रखेंगे, है ना। तो अगर इनको सेपरेट करें तो आएगा 2πi इंटू a, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है, इंटू ये आ जाएगा r पावर 3 इंटू डी आर, प्लस अगला टर्म आएगा 2πi इंटू बी इंटू आर पावर 4 इंटू डी आर। ये भी 0 से a इंटीग्रेट करेंगे, ये भी 0 से a इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन के बाद ये आएगा, r क्यूब का इंटीग्रेशन होगा r पावर 4 बाई 4, लिमिट रखने के बाद आएगा a पावर 4 बाई 4, प्लस यहाँ पर 2πb कांस्टेंट है, r पावर 4 का इंटीग्रेशन आएगा r पावर 5 बाई 5, और जब लिमिट रखेंगे तो आएगा a पावर 5 बाई 5, है ना। तो इसमें से 2πi इंटू
ए पावर फोर कॉमन ले सकते हैं, है ना। ये ए पावर फोर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ बचेगा ए डिवाइडेड बाई फोर प्लस यहाँ पर बचेगा बी और एक ए बच जाएगा क्योंकि ए पावर फाइव है यहाँ पर डिवाइडेड बाई फाइव, है ना। तो ये जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया डिस्क का। आप देखेंगे कि ये जो आंसर है ये ऑप्शन वन में दिया गया है। पहले ऑप्शन में टू पाई ए पावर फोर कैपिटल ए बाई फोर प्लस बी ए बाई फाइव ये दिया गया, तो ये करेक्ट आंसर है।